मंडल की ओर से 9,500 से ज्यादा मकानों का ई ऑक्शन किया जाएगा। ई ऑक्शन किस तरह से होगा, इसमें भाग लेने वालों के लिए, लोगों के लिए आवासन मंडल क्या क्या सुविधा देगा, आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर इस बारे में पूरी जानकारी दी। आप भी देखिए रिपोर्ट। आवासन मंडल की ओर से 9,500 से अधिक मकानों का ई ऑक्शन किया जाएगा, जिसको लेकर आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीलाम किए जाने वाले मकानों के संबंध में समस्त सूचना मंडल की वेबसाइट पर डाल दी गई है। 30 सितंबर से ऋणात्मक निविदा के आधार पर मकानों का ऑनलाइन ऑक्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में मंडल के मकानों में 50% तक छूट देने की घोषणा की थी। अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए मकान खरीदने का ये सुनहरा मौका है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में हाउसिंग बोर्ड के लिए बड़ी घोषणा की है और उसमें इन बकाया मकानों को या जो अधिशेष मकान है उनको 50% तक की छूट देते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी छूट है। मैं समझता हूँ जो भी लोग अपना आवास लेना चाहते हैं हाउसिंग बोर्ड से, उनके लिए एक तरह का सुनहरा मौका है। वो चाहे तो अपने इस आवास के, अपने आवास के सपने को पूरा कर सकते हैं। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ई ऑक्शन के लिए सभी नवनिर्मित कार्यालयों में एक हेल्प डेस्क भी उपलब्ध होगी। इस हेल्प डेस्क पर 4 कंप्यूटर ऑपरेटर मय संसाधन रहेंगे। इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ई ऑक्शन में भाग ले सकेगा। उन्होंने बताया कि ऑक्शन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति पहले ही ऑक्शन के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति को इस ई ऑक्शन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए आवासन मंडल की ओर से 20 सितंबर से कॉल सेंटर भी शुरू किया जा रहा है। हमने सभी व्रत कार्यालयों में, जितने भी हमारे व्रत कार्यालय हैं, 9 व्रत कार्यालय पूरे राजस्थान में, उनमें हेल्प डेस्क बनाई है। लोग वहाँ पर जा सकते हैं और वास्तविक जिस समय ई ऑक्शन शुरू होगा 30 तारीख से लेकर के, वो उसका डेट शेड्यूल हम आने वाले समय में जारी कर देंगे, तो उस वास्तविक ई ऑक्शन के समय हम कम से कम 4-4 कंप्यूटर ऑपरेटर विद कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए होंगे उनको वहाँ पर बिठाएंगे। आम जनता के लिए निःशुल्क सुविधा रहेगी। जो लोग ये कठिनाई महसूस करते हैं कि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है या वो स्वयं ई बिडिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो उन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मदद लेकर के निःशुल्क रूप से उस ई ऑक्शन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रदेश में पहली बार ऋणात्मक निविदा या रिवर्स बिडिंग पद्धति के आधार पर ई ऑक्शन किया जा रहा है। यही नहीं, आवासन मंडल की ओर से भी पहली बार मकानों का ई ऑक्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आखिर किस तरह ई ऑक्शन में भाग ले सकेंगे और आवासन मंडल की ओर से इसके लिए क्या खास तैयारी की गई है। आवासन मंडल के सभी वृत्त कार्यालयों में ई ऑक्शन की विस्तृत जानकारी देने के लिए जल्द ही प्रदर्शनी आयोजित होगी। वृत्त कार्यालय और साइट्स पर आवासन मंडल की ओर से काउंटर लगाए जाएंगे। इन काउंटर पर मंडल कार्मिक लोगों को ऋणात्मक निविदा प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए उपलब्ध होंगे। यही नहीं, चाहे गए मकान का मौका मुआयना कराने की भी मंडल की ओर से व्यवस्था की जाएगी। किस मकान के लिए क्या ऑनलाइन बोली आई वो मंडल की वेबसाइट पर दिखती रहेगी। यही नहीं, आवेदक के बोली लगाने के बाद कितनी और बोली आ गई इसकी जानकारी भी SMS के जरिए आवेदक को मोबाइल पर उपलब्ध रहेगी। इस बारे में पता चलने पर कोई भी आवेदक और बेहतर बोली लगा सकेगा। ऋणात्मक निविदा में जो आवेदक जितनी कम छूट लेने के लिए बोली लगाएगा मकान उसी को मिलेगा। प्रदेश भर में आवासन मंडल की ओर से करीब 22,000 निर्मित मकानों का निस्तारण किया जाना है। इन मकानों में मंडल का करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश लगा हुआ है। इनमें अभी 9,500 मकानों को ई ऑक्शन से बेचने का कार्यक्रम है। लोग इन मकानों को खरीदने के लिए रुचि दिखाएं, इसके लिए कीमतों में 50% तक की छूट दी गई है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।